इस टाइम पे फुल फॉगी फॉगी सीन हो चुका है यहाँ पे। मैं और मुर्तजा रोटियाँ लेके आए थे और नीचे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम रमीज़ है और आप लोग मुझे देख रहे हैं दी मोटर व्लॉगर पे। अभी हम लोगों ने इस्लू गेट क्रॉस किया है और हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने जाकर कैंपिंग स्पॉट्स देखने हैं और कैंपिंग करने का आज इरादा है हमारा। फुल फॉगअप हुआ हुआ है सीन और चलते हैं आगे, जाके देखते हैं कि कहाँ पर हम लोगों ने करनी है आज की कैंपिंग और क्या क्या सीन है हमारा। सो मिलते हैं बाइक पर। और हम KPK में जो है एंटर हो चुके हैं इस टाइम पर और बाकी सारे बॉयज़ जो हैं आगे जा रहे हैं। ये है जी गाड़ी, इसमें जा रहे हैं दानियाल एंड अहमद। हेलो अहमद, ज़्यादा देर नहीं देख सकता, आगे से कुछ आ जाएगा। सो ये हैं जी अमार भाई और आगे मुर्तजा। अभी चलते हैं आगे हम लोग, देखते हैं कि कहाँ पे जाना है, क्या सीन है हमारा। सो सी यू आफ्टर अ व्हाइल। अभी हम पहुंच जाए जी मस्ता, ये ऊपर ट्रैक जा रहा है मस्ता का। अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ से इस तरफ को आगे जाएंगे। ये खूबसूरत सा मौसम, माशाल्लाह, ठंडियानी वाले व्लॉग की याद आ गई है। हाँ, और अगर आप लोगों ने अभी तक ठंडियानी वाली सीरीज़ नहीं देखी मेरी जिसमें रेन कैंपिंग की थी, तो वो ऊपर ये राइट साइड पर आई बटन में क्लिक आ रहा है, इसको क्लिक करके आप लोग वो व्लॉग भी देख सकते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं जी आगे और यहाँ पर भी फुल फॉगी फॉगी सीन हो रहा है। फॉग आती जा रही है और अंधेरा होता जा रहा है। हालाँकि अभी टाइम तकरीबन 6 बजे हैं। ये ऊपर है डन्ना फिरोजपुर और हम इधर से आगे जा रहे हैं, जाके देखते हैं रोटियां कहां से मिलेंगी। मे बी ये सामने ब्राइट हिल्स दिखा हुआ है, यहां से हमें शायद मिल जाएं, अदरवाइज़ इससे भी आगे जाना पड़ेगा और या फिर हमें पीछे वापस सांगड़ा गली जाना पड़ेगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इधर चिकन कढ़ाई चाय दस्ते आप है। अस्सलाम वालेकुम, रोटियां थी ने कितने आगे कुते मिलसन, कितने एक दूर है, कितने एक दूर है, इसने 10 मिनट का है आधा घंटा का है। सामने का व्यू जो है ना बहुत प्यारा लग रहा है। सामने वो जो उसके अंदर धुंध आई हुई है ना पहाड़ों के अंदर, हाँ वो सामने वाले, ओए होए 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 खूबसूरत। पता नहीं GoPro दिखा रहा है कि नहीं, लेकिन आगे से जाके व्यू बड़ा अच्छा आएगा मुर्तजा। वो थिक क्लाउड्स का वो सामने जगह खाली है, ये सामने थिक क्लाउड्स का कितना मज़े का व्यू आ रहा है, वाह। यहाँ से आपको खड़ा होकर दिखाता हूँ, वो सामने जगह भी खाली है तो वहाँ पर लगाते हैं हम बाइक। ओए होए 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 सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वाओ। अभी हम लोग जहाँ पे कैंपिंग करेंगे उम्मीद है वहाँ पे भी ऐसा ही व्यू आ रहा हो और वहाँ से भी ऐसा ही नज़ारा आ रहा होगा, ताकि जो हम लोगों की कैंपिंग की जगह है वहाँ से हमें एक खूबसूरत सा व्यू मिले जब हम सुबह कैंप का दरवाज़ा खोलें। तो चलें जी, अब चलते हैं आगे इस तरफ को और जाकर ढूँढते हैं रोटियाँ। तो जी चल रहे हैं हम कोहाला बाला नीचे और यहाँ पे जाके हमें उम्मीद है मिल जाएगी रोटी, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं और वो मिड पॉइंट है, वहाँ से ही आगे आपको नूरी वाटरफॉल और अम्ब्रेला वाटरफॉल, और अगर आपने उस रास्ते से जाना है मरी की तरफ तो ये सारा वही रास्ता है। सो चलें, रोड इसी तरह की है आगे सारी, तो इस ट्रांजिशन के बाद मिलते हैं आपसे आगे कोहाला बाला में। हम पहुँच आए जी कोहाला बाला और यहाँ पर डिफरेंट होटल्स हैं काफ़ी सारे, अल मदीना होटल लिखा हुआ था सामने, नाम पढ़ लिया, पुलिस चौकी कोहाला बाला, इससे मिल जाएंगी रोटियां भैया हमें। कोहाला बाला इस रेस्टोरेंट से हमें रोटियां मिल गई, परचेज़ करके हमने टॉप बॉक्स में रख ली हैं और कुछ स्नैक्स वगैरह भी परचेज़ किए हैं।
कि रात को अगर भूख लगती है या कोई सीन है तो हम लोग वो भी खा लें। तो चलें जी मुर्तज़ा भाई, यहाँ से अभी हम लोग वापस जा रहे हैं ऊपर डन्ना फिरोज़पुर की तरफ, और बॉयज़ को जगह मिल गई है कैंप लगाने की। हम भी पहुँच रहे हैं कैंप वाली जगह पे, और चलें जी जाके देखते हैं कि कौन सी जगह है। सारा रास्ता वही है जिसमें से काफ़ी सारा रास्ता आपको दिखाया भी है मैंने, और बहुत से दोस्त मेरे जो हैं यहाँ से आए भी होंगे हम इस रास्ते से नूरी वाटरफॉल वगैरह के लिए। अभी हम वापस चल रहे हैं ऊपर, अंधेरा काफ़ी सारा होता जा रहा है, मगरिब का टाइम आ गया करीब, और चलते हैं हम ऊपर जाके देखते हैं कहाँ पे लगाया है उन्होंने कैंप, क्योंकि यहाँ से ऊपर भी कम से कम हमें 30 to 40 minutes मिनिमम लगेंगे। बहुत लेवल मज़ा आ गया, टाइम तो लगे हम दोनों का लेकिन मज़ा आ गया हम दोनों को। सर ऐसी ही धुंध थी ठंडियानी जाते हुए ना, ठंडियानी जब ऊपर जा रहे थे मैं और दानियाल, आया ना पैच, पर ये हल्का है, नीचे ज़्यादा थी, असल में नीचे क्लोज जगह ज़्यादा है ना। ओ बाइक है सामने, मैंने उसके लिए लाइट बंद कर दी है बड़ी वाइट वाली, वरना उस बेचारे को नज़र कुछ ना आता। ओए होए होए होए, वाइट लाइट में क्या नज़र आ रहा है सामने, क्या फिट आ रहा है मुर्तज़ा तू। लाइट की पावर चेक कर रहे हैं मुर्तज़ा इस लाइट की, ध्यान से मैं वाइट लाइट बंद ही करूँ, येलो ही करूँ, येलो में नज़र आएगा। होए 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 होए, इस टाइम पे फुल फॉगी फॉगी सीन हो चुका है यहाँ पे। मैं और मुर्तज़ा रोटियाँ लेके आए थे और नीचे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और अभी हम डन्ना फिरोज़पुर से काफ़ी पीछे हैं। ओए होए होए होए, सामने अगर आप मुर्तज़ा को जाता हुआ देख रहे हो तो मुर्तज़ा की लाइट्स में आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा रास्ता, अदरवाइज़ ये बाइक देखे बीच में से कहाँ से आया कोई पता नहीं। लो जी मसेर तो मसेर नहीं हो, तुसा की नज़र तो कुछ ना अशना उसी ने, क्योंकि इन्ना नेरा हो गया। तो स्टोरी कुछ इस तरह नहीं है कि रुटिया किन्न गए से तले तो फॉग मिली गई सी, तो हूँ बस उत्ते गए जुली देखने कुछ उन्हें जुली टेंट लाया सन। ए चिट्टी लाइटा चेक करो ना पट्टी लाइटा पाई नहीं लाइटा तको, तो नवी लाइटा लवाइया सी पिछले साल, तो थले वाली जी लगी ना पीली लाइट जी नज़र रोशनी ने ए लाई सी पिछले साल, तो यह जी उत्ते लाइया ने बाद लाइया सियाँ। तो काफ़ी सारे संगियां माड़े को पूछा सा कि तुसा लाइटा कुदों की दियाँ, तो वही दसो तुसा इस ब्लॉग जी ए अगर गश्ना पे ने मुर्तज़ा, तो अगर व्यू चेक करो सुबह तुसा कि जरा बड़ा खूबसूरत व्यू मिलसे ने, यू नो खूबसूरत खूबसूरत मज़ेदार मज़ेदार व्यू मिलसे ने सुबह। ए बंदा गए गाँव के नहीं गश्ना ने गाँव वो नसी गई कसमें लाइट तकी गश्ने जागतों को जल्दी उन्हें अपने पूछने के का स्टोरी कैंप शैम्प लाया ने कि कौन लाया, तो मिलने तुसें उत्थे, तो फॉक शॉक फिर आना शुरू हो गई। चलो मिलने आगे। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, अभी हम लोग वापस पहुंच आए हैं अपनी जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने करनी है कैंपिंग। कैंपिंग हम कर रहे हैं इसलिए कि अमार भाई के हो गए 25,000 सब्सक्राइबर्स पूरे। यस यस, सो उसके सेलिब्रेशन के लिए आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने कहा चलो कैंपिंग शैम्पिंग भी करते हैं साथ में। सुबह हम लोग जो जी 1000 वाली पे भी हैं, हाँ 1000 भी आप लोग कंप्लीट करवा दें मेरे, तो 1000 वाली पे भी इंशाल्लाह हम लोग किसी और जगह पे जाके सेलिब्रेट करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली अहमद भाई, अहमद भाई अमार भाई। यार अहमद का तो आपने जिक्र कर दिया लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कोई दुआ शुआ पढ़ लो, अहमद जिस उसमें होता है उसमें एडवेंचर लाजमी होता है। अल्लाह खैर से रात गुजारे। दानियाल भाई एंड मुर्तज़ा भाई, प्लीज मुर्तज़ा भाई अपना चेहरा दिखाएं, मनमोजी ट्रैवल टेल्स बाय मुर्तज़ा। सो जी अभी हम लोगों ने दो कैंप जो है वो पिच कर दिए हैं, जैसा कि आपको बताया था हम लोग रोटियां वगैरह लेके आए हैं, और अभी थर्ड कैंप पिच करते हैं और मिलते हैं आपसे दोबारा। कैंप्स डिप्लॉयमेंट हो गई है कंप्लीट, एक दो तीन कैंप्स वगैरह सीधे कर लिए हमने, लगा दिए कैंप्स। अभी हम लोग कैंप्स के अंदर अपनी चीज़ें रखते हैं, स्लीपिंग बैग वगैरह, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं खाना पकाते हुए, खाना शाना पकाते हैं वो आपको दिखाते हैं, और बस मिलते हैं आपसे दोबारा थोड़ी देर में। इस टाइम हो रहे हैं रात के 10:30 और अभी कर रहे हैं हम खाने का सीन। अमार भाई खाना बना रहे हैं और कटिंग शटिंग हो गई है तकरीबन सारी चीज़ों की।
रात के 11:15 बज चुके हैं और बारिश स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमने सारा सेटअप अंदर ले आए चीज़ें और खाना दोबारा से हम बनाना शुरू किया। उस टाइम उन्होंने खाना बनाना शुरू किया था कि बारिश स्टार्ट हो गई। और ये है जी कढ़ाई, इसको हम अंदर ले आए हैं। ये इस तरह हम इस कैंप के अंदर आ गए, दो लोग उसके अंदर हैं और ये इस शेल्टर के अंदर हम बैठ के अब खाना बना रहे हैं। टाइम हो रहा है रात के 12 बज चुके हैं, हमारा खाना रेडी हो चुका है, बारिश दोबारा रुक चुकी है और अभी बिस्मिल्ला करने लगे हैं। ये कुछ शक्ल है इसकी। इस टाइम हो रहे हैं 12:30 रात के और खाना वगैरह खा के फ्री हो गए हैं। अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि चाय कौन बनाएगा और सब लोग बैठे हुए हैं, सबके इशारे मेरी तरफ हैं। भाई मैं भी हूँ। अमार भाई नाराज होके अकेले बैठ गए वहाँ पे। चाय तकरीबन तैयार है और जवान भी तैयार बैठे हैं चाय पीने के लिए। इस तरह तैयार बैठे अभी हमला होने लगे और इन लोगों ने निकलना है। जो हीट आ रही है वो उसका मजा आ रहा है। सही बात है, हल्की हल्की हवा जो चलती है ना उसके बाद। ओए होए होए, चलें जी हम लोग पीते हैं चाय। अच्छा हम रह गए, हम दोनों रह गए, किसी भी पी लेते हैं। सर आप अपनी चाय डालें, एक ही साइड गंदी करें ना, सुबह धोएगा कौन? छोटा भाई अंगूठा बचाइएगा। अभी हम इस तरह बैठ के जो है चाय पी के पी रहे हैं। ये हमारा कैंपिंग का सेटअप और इस तरह का ये सीन चल रहा है। हम लोग आ गए कैंप के अंदर और मुर्तज़ा और अहमद जो हैं भाई रहे हैं अभी, वो ज़रा पिक्चर वगैरह ले रहे हैं। कैंप्स के अंदर लाइट्स ऑन की हैं। ये स्लीपिंग बैग और मैट्रेस मेरा, और जो है इधर मुर्तज़ा और दानियार अहमद, हम तीनों जो हैं इस कैंप में हैं। वो सामने ग्रीन कलर का कैंप आपको नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर है दानियार भाई। हेलो और वो सामने दूसरा कैंप, उसमें एम आर भाई। सो अभी हम लोग जो हैं यहाँ पे सोएंगे आज की रात इंशाल्लाह।